हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल वीएस बुरा एट द रेट ऑफ जूलॉजी। आज हम स्टारफिश के बॉडी वॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टारफिश की बॉडी वॉल जो है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ एपिडर्मिस एंड डर्मिस। ये एपिडर्मिस है और डर्मिस है। तो इसका पूरा डिटेल में स्ट्रक्चर हम ले रहे हैं। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर जो कि वन और टू लेयर ऑफ क्यूटिकल्स की बनी हुई है, ठीक है। क्यूटिकल के जस्ट नीचे यूनिसेलुलर लेयर है, यहां पर एपिडर्मल लेयर जो कि जिसमें ग्लैंडुलर सेल्स हैं और न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं जो कि रैंडमली प्रेजेंट है इस लेयर में, ठीक है। उसके बाद यहां से जो न्यूरोसेंसरी सेल्स हैं उनसे उनके वन एंड इनर साइड नर्व फाइबर अराइज हो रहे हैं। दीज नर्व फाइबर्स फॉर्मिंग ए मेशवर्क, सच मेशवर्क इट इज नोन एज नर्व प्लेजेस। तो इस नर्व प्लेजेस में नर्व गैंग्लियन है, नर्व फाइबर है, इट इज अगेन नर्व फाइबर। ये है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे नर्व प्लेजेस, उसके जस्ट नीचे डर्मल टिश्यू है और इस डर्मल टिश्यू में डिफरेंट मॉडिफाइड ओसिकल्स हैं जिनको हम डर्मल ओसिकल्स कहेंगे, जिनकी शेप है रॉड शेप और प्लेट शेप या फिर इररेगुलर शेप है। ये दीज आर फॉर्मिंग आइदर स्पाइन, ठीक है, और ट्रायंगुलर शेप ऑफ स्पाइन है या फिर रोड शेप स्पाइन है। डिफरेंट शेप ऑफ स्पाइन जो है इसके साथ अटैच्ड है डर्मल ओसिकल्स से। यहां पर एक खास बात यह है कि जो डर्मल ओसिकल्स हैं दीज आर नॉट एक्सटर्नल, दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म। These are derived from mesodermal tissue. Echinodermata को छोड़कर जितने भी invertebrates हैं उन सभी में exoskeleton है, it is derived from ectodermal। लेकिन यहां पर ये जो skeleton है ये internally है और present in dermis and it is derived from the mesodermal cells or mesodermal tissue। यहां पर ये कनेक्टिव टिश्यू है ओवरऑल और इसी कनेक्टिव टिश्यू में हियर एंड देयर आर पेरिहिमल साइनसिस। ये पेरिहिमल साइनसिस जो डर्मल टिश्यू के अंदर प्रेजेंट है, इस डर्मल टिश्यू के नीचे सर्कुलर मसल बैंड्स हैं, सर्कुलर मसल लेयर कह सकते हैं जो कि थिन है, लेकिन इसके जस्ट नीचे लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है, लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर लेयर है जो कि अबोरल साइड पर हाईली थिक है। ओरल साइड में थिन है लेकिन अबोरल साइड पर लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है वो थिक है। सबसे इनर मोस्ट लेयर है लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद, दैट इज नोन एज क्यूबॉइडल लेयर। यहां पर जो सेल्स हैं दीज आर क्यूबॉइडल एंड सच लेयर इट इज नोन एज पेराइटल एपिथेलियम और सिलोमिक एपिथेलियम। और ये सिलोमिक एपिथेलियम लेयर जो है इस सेल्स की सरफेस पर टुवर्ड द सिलोमिक कैविटी देर आर सीलिया, यहां पर सीलिया प्रेजेंट है और ये सिलोमिक कैविटी है। अब हम बात करते हैं ये जो डर्मल ओसिकल्स हैं दीज आर डिफरेंट टाइप्स एंड फॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पाइंस। ट्रायंगुलर है, पॉइंटेड है, ठीक है, और ट्यूबरकल शेप है, दिस वन ट्यूबरकल। तो ये स्पाइन जो है हम देखें सरफेस पर, तो सरफेस पर ये जो कैविटी है सिलोमिक कैविटी इट बल्ज आउट आउटसाइड एंड रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ दिस वन। ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं, दिस स्ट्रक्चर दिस आर बैंकियल डर्मल बैंकिया। ये डर्मल बैंकिया है और
गिल्स हैं, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सक्रीशन एज वेल एज रेस्पिरेशन। तो ये एक्सक्रेटरी एंड रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं इस एनिमल्स को। यहीं पर इन डर्मल ओसिकल्स से अटैच लिंक्स जो है, दीज आर पेडिसिलरी एंड ट्यूबरकल्स और स्पाइन्स, जो कि सरफेस से बाहर बल्ज आउट हो जाते हैं, यानी इसकी सरफेस पर प्रेजेंट हैं ये। ठीक है, ये जो ट्यूबरकल्स जो है, दैट इज द स्पाइन, आप यहां पर देखें इस स्ट्रक्चर में, ये डर्मल ओस्टिया है और ये ट्यूबरकल है जो डर्मल ओस्टिया के साथ ये अटैच है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट्स के बने हुए हैं, ओसिकल्स मॉडिफिकेशन हैं ये। और ये जो है, जो डर्मल ब्रेंकिया है, दिस वन, ये कैविटी, शिलोमी कैविटी जो है बाहर की तरफ बल्ज आउट हो गई है। ठीक है, इस ब्रेंकिया जो है, डर्मल ब्रेंकिया और गिल्स, इनके बेसल रीजन पर अराउंड द देयर बेस देयर आर देयर इज पेरिहिमल साइनस, यहां पर ये पेरिहिमल साइनस जो कि ये है। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पेडिसिलरी की। पेडिसिलरी यहां पर टू टाइप की पेडिसिलरी हैं, एक पेडिसिलरी है क्रॉस्ड और दूसरी है स्ट्रेट। यहां पर क्रॉस्ड पेडिसिलरी में जो इलास्टिक स्टाक है उसके साथ अटैच हैं थ्री ओसिकल्स और प्लेट्स और ब्लेड, जिनको हम ब्लेड भी कह सकते हैं, टू ब्लेड्स, दीज आर सीरेटेड ब्लेड एंड देयर मूवमेंट इज जस्ट लाइक सीजर। और इसके बेसल रीजन पर दीज टू ब्लेड्स और वाल्व, दीज आर आर्टिकुलेटेड ऑन बेसल ओसिकल्स। ठीक है, ये बेसल ओसिकल्स है, ये क्रॉस पेडिसिलरी है। लेकिन ये जो पेडिसिलरी है, इट इज स्ट्रेट, यहां पर जो वाल है और ब्लेड, दीज आर लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड ऑन द बेसल ओसिकल्स। ठीक है, यहां पर आप देखें कि ये क्रॉस्ड नहीं है, लेकिन यहां पर ये क्रॉस्ड होते हैं, जब इनकी मूवमेंट होती है तो ये सीजर की तरह क्रॉस है, लेकिन ये यहां पर एक दूसरे के पैरेलल प्रेजेंट हैं। देयर मूवमेंट्स, इट इज कंट्रोल्ड बाय टू टाइप ऑफ मसल्स, दैट इज द वन पेयर ऑफ अडक्टर मसल्स, ये अडक्टर मसल्स हैं यहां पर, एंड टू पेयर ऑफ अबडक्टर मसल्स, वन पेयर अबडक्टर मसल्स, दीज आर वन पेयर अबडक्टर मसल्स, ये वन पेयर अबडक्टर मसल्स हैं, एंड टू पेयर ऑफ अडक्टर मसल्स, ये अडक्टर मसल्स हैं, टू पेयर ऑफ अडक्टर मसल्स। ठीक है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द ब्लेड्स और वाल ऑफ पेडिसिलरी। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर ये जो डर्मल ओसिकल्स हैं, मैंने बताया कि ये डिफरेंट शेप के शेप एंड साइज हैं, तो यहां पर ये जो ओसिकल्स हैं, दिस आर प्रेजेंट रेंडमली, ठीक है, ऑन अबोरल सरफेस एंड दे आर लिंक्ड टू इच अदर बाय मसल फाइबर। यहां पर ये जो मसल फाइबर हैं और कनेक्टिव टिश्यू है, उनके साथ ये ओसिकल्स हैं, आपस में लिंक है, कनेक्टेड है। ठीक है, दीज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इजीली मूवमेंट्स ऑफ द लिंब और आर्म। यहां पर जो मसल्स फाइबर जितने भी हैं, इसमें ये सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर्स के अंदर, दीज मसल फाइबर्स आर स्मूथ, ये नोट करने की बात है। तो मैंने आपको बताया कि ये ओसिकल्स जो है, डर्मल ओसिकल्स, दीज आर रेंडमली प्रेजेंट ऑन द अबोरल साइड, बट ऑन वेंट्रल ओरल साइड्स दीज आर अरेंज्ड इन ए सिस्टमेटिक वे। हम एम्बुलेक्रल ग्रूव की सरफेस के ऊपर की बात करें, तो एम्बुलेक्रल ग्रूव के सरफेस पर टुवर्ड द इनर साइड्स, दीज डर्मल ओसिकल्स आर रॉड शेप्स एंड दीज आर अरेंज्ड इन इन ए इनवर्टेड वी फॉर्म, ये जो वी है इनवर्टेड फॉर्म है। ठीक है, एंड such V, या apex of the V, it is extended toward the
सिलोमिक कैविटी एम्बुलेक्रल ग्रुप, एम्बुलेक्रल ग्रुप में जो एज है उस एज को ये मेंटेन करते हैं, ठीक है, उस एज को फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, दीज ओसिकल्स आर अरेंज इन दिस वे एंड दीज वेसिकल्स आर अरेंज इन दिस वे, ठीक है, तो ये वी शेप में अरेंज होते हैं और इनकी आउटर और इनर एज जो होती है वहां पर एक सिंगल नॉच होती है और टू साइड बाय साइड जो ऑसिकल्स एंड रोड शेप्स इनकी नॉच आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर एक पोर बनाती हैं जहां से जो पोडियम डक जो है अराइव होती है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पर ये जो पोर है ये पेयर में है, एक रो ये बन जाती है दूसरी रो ये, इसी तरह ये एक रो है डर्मल ऑसिकल्स की रोड शेप की, लेकिन यहां पर पोर जो है वो एक पेयर बना रहे हैं, ए पेयर ऑफ रो। तो यहां पर ये जो एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स हैं इनके साइड में, ठीक है, अगेन स्मॉल साइज एम्बुलेक्रल ऑसिकल्स आर प्रेजेंट और इनके अगेन साइड में टू और वन और टू सुपीरियर एंड इंफीरियर ऑसिकल्स आर प्रेजेंट। यहां पर अगेन सुपीरियर ऑसिकल्स हैं, यहां पर ये इंफीरियर है और उसके बाद सुपीरियर ऑसिकल्स हैं, ठीक है, जो कि लेटरल साइड में लिम्स के यानी जो आर्म जो होती है आर्म के लेटरल साइड में ये प्रेजेंट होते हैं। तो ये था बॉडी वॉल एंड एंडोस्केलेटन ऑफ द स्टारफिश। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसी तरह की मैं और भी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूंगा। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।